हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन अनदर न्यू वीडियो। तो बहुत दिन के बाद ये सिविल वाला वीडियो डाल रहा हूँ यहाँ पे मैं, लेकिन मुझे इसका मैसेज आया था कि जो टाइल्स जो हम लगाते हैं नीचे, तो वो टाइल्स का जो लेवल होता है वो कैसे करेंगे, वो फिक्स कैसे होता है उसके बारे में। ठीक है, तो जैसे कि अपार्टमेंट रहता है तो और अपार्टमेंट में जो स्टेयरकेस रहती है उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपका अंदर में लेवल कौन सा रहेगा टाइल्स का। ठीक है, जो भी स्टेयरकेस मतलब लॉबी रहता है वो लॉबी के, जैसे कि अभी ये लॉबी है और इस तरफ में अंदर में फ्लैट है, तो ये वाला जो लेवल रहेगा उसके अप में 10 mm 20 mm जो भी रहेगा ऊपर में अंदर बेडरूम की तरफ से, मतलब लास्ट उस तरफ में जो भी रूम रहेगा वहाँ से लेवल उठाते यहाँ तक आते हैं। ठीक है, तो ये वो रहा अपार्टमेंट का। बंगलों का भी वैसे रहता है, हॉल में नीचे नीचे की तरफ में एंट्रेंस में जाता है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मेरा अभी घर का काम चल रहा है तो आपको वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे इसमें एक फाइनल लेवल किया हुआ है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ, ये एंट्रेंस है मेन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ये डाउन एरिया है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा अप साइड है, उसके बाद थोड़ा ये अप है। ठीक है, तो यहाँ पे अप होने के बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि वहाँ से लेके यहाँ तक एक लेवल रखा है। ठीक है, ये दोनों थोड़ा वो डाउन रहेगा 2 इंच, वहाँ पे थोड़ा ऊपर रहेगा, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा 4 इंच इसके बजाय ये 4 इंच ऊपर रहेगा, उसके बाद में यहाँ से लेके 4 इंच ऊपर रहेगा। क्यों, अभी देखिए कि ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये ऐसा सोचिए कि ये वाला जो लेवल है स्टेयर केस का लॉबी का लेवल है। ठीक है, तो ये लॉबी का ये वाला लेवल हमने क्या किया, यहाँ पे उठा के यहाँ से लिया है। अब देख सकते हैं यहाँ मार्किंग किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मार्किंग उठा के हमने देखिए यहाँ पे मार्क किया हुआ है ये, उसके बाद यहाँ पे देखिए मार्किंग ऐसा किया हुआ है, हर जगह पे हमने मार्किंग किया है और वही लेवल उठा के हमने यहाँ पे लाया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब हमने लेवल लिया तो यहाँ पे हमें ये वाला लेवल से वो लेवल 9 इंच का नीचे है, ये वाला 9 इंच का डिफरेंस है। तो यहाँ से लेके वहाँ तक हम इतना डिफरेंस यहाँ पे 9 इंच का टप्पा दे नहीं सकते, यहाँ पे स्टेप नहीं बना सकते। तो वो 9 इंच का यहाँ पे टप्पा रखने के बजाय हमने क्या किया, ये वाला 4 इंच और ये वाला 4 इंच यहाँ पे एक टप्पा देंगे। यहाँ से देखिए यहाँ से लेके ऐसा एक टप्पा और उसके बाद यहाँ पे 4 इंच का एक टप्पा, उससे क्या होगा एक स्टेप और दो, मतलब ये पूरा ये जो पूरा है ये पूरा लेवल उठ जाएगा। ठीक है, तो ये उठने के बाद वो थोड़ा नीचे, उसके बाद ये थोड़ा ऊपर, उसके बाद ये ऊपर, ऐसा करके पूरा एक लेवल में बहुत अच्छी तरह से दिखेगा। तो एक आइडिया रहती है, एक दिमाग में आता है कि भाई कुछ अलग होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे लेवल होता है। आप एक फिक्स लेवल करिए, जैसे आपको कोई घर होगा तो यहाँ पे देखिए ये अभी PCC हुआ है। ठीक है, PCC टॉप, तो हमने ये PCC टॉप जो है यहाँ पे ऐसे घुमा के पूरा लाइन पूरा घर में PCC टॉप लिया। ठीक है, और एंट्रेंस में ज़्यादा हो रहा था तो उसको कटिंग कर लिया। तो आप भी सोचिए आपके यहाँ पे फाइनल कौन सा है। अगर आपके घर के सामने रोड रहेगा तो रोड का लेवल लेके उसके ऊपर 2 इंच 3 इंच नहीं तो 4, मतलब 5 है जो भी रहेगा, क्योंकि रोड हमेशा बढ़ता रहता है, कभी घटता नहीं है। रोड रोड के ऊपर ही अपना घर का जो भी रहेगा, घर के मतलब जो लेवल रहेगा रोड के ऊपर ही रखना है, उसके नीचे नहीं रखना है। तो ये आप बात ध्यान में रखिए कि रोड का लेवल के ऊपर ही 6 इंच या 8 इंच 10 इंच जो भी रहेगा ज़्यादा ही रखिए। ठीक है, तो और एक चीज़ जो मेन कहना था कि घर में ऐसा 2-3 स्टेप रहेगा तो बहुत अच्छा दिखता है, तो आप ये वाला स्टेप ऐसा ये स्टेप बना सकते हैं, उसके बजाय ये वाला जो स्टेप रहेगा इसको ऐसे कर्व में डाल सकते हैं, जैसा भी होगा आपको जैसे पसंद आएगा। और आपका जो आदमी साथ में आपका कारीगर रहेगा वो भी आपको अच्छे तरह से बता पाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशन वाला लगा होगा तो इसको लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, और ऐसे वीडियो देखने तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।